नमस्कार, मैं हूं काव्या कौशिक और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। जहां बिहार में एक तरफ 1,70,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होनी है, तो वहीं अब जो रिटायर शिक्षक हैं उनको भी सरकार नौकरी देने जा रही है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं कि एक तरफ जहां बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों की भर्ती होने वाली है, परीक्षा होने वाली है और जिसको लेकर शिक्षक लगातार आक्रोशित भी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब सरकार का एक और फैसला आया है जिसमें रिटायर जो शिक्षक हैं उनको साधन सीवी का पद दिया जाएगा। आपको बता दें कि इसमें कुल 1,611 पदों के लिए नोटिफिकेशन जो है वो जल्द ही जारी किया जाएगा। तो अब रिटायर शिक्षकों से भी नीतीश सरकार काम लेने जा रही है। नीतीश सरकार बिहार के रिटायर शिक्षकों को फिर से रोजगार देने का मौका लाई है। राज्य के सभी प्रखंडों में 3-3 प्रखंड साधन सीवी की तैनाती की जाएगी। इसके लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों का चयन प्रखंड सघन सेवी के रूप में किया जाएगा। इसको लेकर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने आदेश जारी कर दिया है। राज्य में कुल 1,611 पदों पर इनकी तैनाती होगी। साधन सेवी के रूप में चयनित रिटायर शिक्षकों के लिए सैलरी भी तय कर ली गई है। तो अब रिटायर शिक्षकों को भी एक बार मौका दिया जाएगा, साधन सेवी के पद पे उन्हें तैनात किया जाएगा, उनको नौकरी दी जाएगी। इसमें कुल 1,611 पद हैं और नीतीश सरकार एक बार फिर से रिटायर शिक्षकों को मौका देने जा रही है, वो शिक्षक जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि राज्य के हर प्रखंड में एक मौजूद प्राथमिक या प्रारंभिक स्कूलों में तैनात शिक्षकों के कार्य का पर्यवेक्षण, मॉनिटरिंग और सहयोग प्रदान करने के लिए साधन सेवी का नियुक्ति किया जाएगा। हर प्रखंड पर 3 साधन सेवी होते हैं। इन्हें विशेषज्ञ का एक समूह माना जाता है जो आवश्यकता अनुसार शिक्षकों को समय समय पे प्रशिक्षण देते हैं। यानी कि साधन सेवी का जो काम होगा वो बाकी शिक्षक जो कार्यरत शिक्षक हैं उनको आवश्यकता अनुसार सुझाव देंगे, निर्देश देंगे कि आखिर कैसे आगे का काम करना है, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, तमाम चीज़ों को लेकर वो जानकारी देंगे जिन पदों पे एक बार फिर से भर्ती होने जा रही है। आपको बता दें कि नीतीश सरकार का ये फैसला आया है जिसमें आपको बता दें कि जिला स्तर पर 15 दिनों के अंदर विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसके लिए जिला स्तर पर चयन समिति का गठन 15 जुलाई तक कर लिया जाएगा। समिति की बैठक 24 से 31 जुलाई के बीच होगी। चयनित को 20,000 रुपए महीना नियत वेतन दिया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी चयन समिति के अध्यक्ष होंगे। 534 प्रखंड और 3 शहरी संसाधन केंद्र समेत कुल 537 संसाधनों के लिए 1,611 प्रखंड साधन सेवी का चयन किया जाएगा। तो ये पूरा मामला है जिसमें साधन सेवी का काम क्या होगा, सैलरी कितनी होगी, ये तमाम चीज़ जो है बता दिया गया है। 20,000 रुपये सैलरी होगी और काम जो होगा वो जो शिक्षक जो कार्यरत हैं उनको सुझाव देना, आवश्यकता अनुसार उन्हें तमाम चीज़ों के बारे में बताना, ये साधन सेवी का काम होगा जिसमें रिटायर शिक्षकों की भर्ती होगी। जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं वो शिक्षक इसमें काम करेंगे। तो नीतीश सरकार एक तरफ जहाँ 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है, तो वहीं अब सेवानिवृत्त शिक्षकों को एक बार फिर से मौका मिलने जा रहा है। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।